Hello students, in today's video we will find out the value of square root of 49 by the help of prime factorization method. ठीक है, तो सबसे पहले हम 49 के prime factors निकाल लेंगे. 7 7 49, ठीक है, ये इसके prime factors आए 49 के. ठीक है, अगर इन prime factors को multiply कर दूँ दोबारा से, ठीक है, तो result क्या आएगा? जिसके आपने prime factors निकालने तो वही result वापस आ जाएगा. ठीक है, सही लिखा फिर इस हिसाब से मैंने, एकदम सही लिखा. प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू सेम नंबर जो आपने निकालना था जिसके प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं. 7 × 7 को हम 7² भी लिख सकते हैं, दो बार 7 है तो 7² लिख दिया. फिर इसकी पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, ट्रांसफ़र करो तो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी. अगर इधर 5 होती, 10 होती या फिर 15 होती तो इधर होके क्या हो जाती, 1/5, 1/10, 1/15, कुछ भी, मतलब 1/2 की फॉर्म में चेंज हो जाती. फिर इधर 7 की पावर क्या बची, 1 बची. अब इसी को क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट लिखोगे. ये आपका रिजल्ट आ गया. ठीक है, ये था स्क्वायर रूट ऑफ 49 बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.